अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मुदस्सिर। और आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा खवातीन में, बच्चों में, मेल्स में, पाकिस्तान में लोग जो है एनीमिक होते हैं। एनीमिया क्या है, आयरन डेफिशिएंसी क्या है और ये क्यों होता है, थोड़ा सा इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपने देखा हो, अक्सर टेस्ट कराते हैं, उसमें CBC काउंट है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करें, ये आपके ब्लड की कमी है, ये खून की कमी है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कमज़ोरी हो गई है जी, गोश्त ज़्यादा खाएँ जी, आपके अंदर जो है ना खून कम है, विच इज़ मोस्टली फीमेल ये सुनती रहती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं। लेकिन आज उसको फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम छेड़ेंगे और देखेंगे कौन से फूड इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से फूड में आयरन होता है और एक्सेस और डेफिशिएंसी जो है वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम करती है। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, कम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी और इसको मेंटेन किया जाए, कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं, बजाय ऐसे कि आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं, लेकिन अगर आप डाइट अच्छी कर लेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। वेल, इट्स मुदस्सिर, मास्टर लाइफ कोच। और आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक बताता चलूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड होता है, जितना भी ब्लड होता है उसका 40% जो है वो रेड, ऑलमोस्ट 40-50% रेड ब्लड सेल्स से मिलके बनता है। अब रेड ब्लड सेल्स जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आयरन जो है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं जिसको RBC हम बोलते हैं, तो RBC के अंदर की प्रोटीन होती है जो कि उसको बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो है, आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है और हीमोग्लोबिन होगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम कहते हैं खून की कमी। आपने देखा होगा टेस्ट में फीमेल में 6 आए, मुदस्सिर 6 पे आ गई है, कभी 7 पे आ गई है, कभी 5 पे आ गई है, कभी, तो हमें उसको 15 के रेंज में बैलेंस करना होता है, लेकिन अबव 10 रिकमेंड करते हैं। अगर आपकी इससे लो है तो उस केसेस में डेंजरस है, लेस डेफिशिएंसी है आयरन की। सो टू मच या टू लेस एक्चुअली जो रेड ब्लड सेल्स जो कि एनीमिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, कोई हेमोग्लोबिन की कमी होती है, एक्चुअली लेस हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो लेस ब्लड रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर आयरन की जो कि कमी की वजह से उसको हम एनीमिया बोलते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। उसकी रीज़न क्या है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसकी रीज़न ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेनोपॉज, ड्यूरिंग मंथली साइकिल और बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल में कंपैरेटिवली इसका ब्लड लॉस जो होता रहता है, जिसकी वजह से ये जो इश्यूज़ हैं, मिनरल है, उसकी कमी हो जाती है। सो हम नॉर्मली बात करेंगे कि पहले फूड सोर्सेज में जाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखो कि जो आयरन है वो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करता है ऑक्सीजन की ट्रांसफर में, ऑक्सीजन की फ्लो में, यू नो ऑक्सीजन फ्लो आपका बॉडी में बिटवीन मसल्स और सेल टू सेल आपकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें इसका बड़ा ज़्यादा रोल प्ले है। देन जो आयरन वो आपको हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में, नए बनाने में, जो कि हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से रेड ब्लड सेल बनते हैं, जो कि आयरन उसमें असिस्ट करता है। देन आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। देन आपका जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है पूरी बॉडी के, एंजाइमेटिक एंजाइम जो होते हैं इतने काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, मल्टीपल प्रोटीन्स बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। देन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नॉर्मली स्टडी ये कहती है कि नॉर्मली फाइटेट्स और पॉलीफिनोल्स और सोयाबीन जो होते हैं ना वो आपकी आयरन अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पॉलीफिनोल, फिनोल्स हमने लास्ट में डिस्कस किया, अब नॉर्मली ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऑलिव ऑयल्स के अंदर होते हैं, जो कि कम से कम एंटी न्यूट्रिएंट्स को, उसके लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द सोर्सेज। ओके, फूड सोर्सेज मुदसर, वो कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिनसे आपको आयरन मिलता है, उसके अंदर मल्टीपल हम ग्रुप्स को थोड़ा सा छेड़ेंगे। दो मेन सोर्सेज हैं, वन इज़ एनिमल सोर्सेज और वन इज़ प्लांट बेस्ड सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में आपका रेड मीट आ जाता है, चिकन, मटन, बीफ, फिश, या जब मोस्टली रेड मीट, ज़्यादा रेड मीट आप लेंगे तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल या बहुत ज़्यादा मसले आपको आते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा थिक और डार्कर रेड मीट होता है उसके अंदर आपको आयरन मिल जाता है, जितने भी मीट के रेड मीट के ऑप्शन हैं।
देन आपके प्लांट जो कि रेड मीट की जो ऑप्शन होते हैं वो आपको डायरेक्ट आयरन मिल रहा होता है, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं वो आपको थोड़ा सा कम उसके अंदर आयरन मिलता है। उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ग्रेन्स आ गए हैं, ग्रेन फैमिली के अंदर हमें जो मसर हम ज़्यादा खाते हैं, मसर उसके अंदर हमें आयरन होता है। हम ही कहते हैं ना मसर खाया करें लेकिन हम नहीं खाते, लेकिन अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं तो लेंटिल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। देन आपके किडनी बीन्स हैं, आपने किडनी बीन्स जो है ना चिक पीज हैं उनका डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। देन नेवी बीन्स हैं, चिक बीन्स, किडनी बीन्स एंड नेवी बीन्स इनका इस्तेमाल, इनको सैलड में, इनको अपनी लंच या डिनर में किसी किसी फॉर्म में इस्तेमाल करें। देन कुछ वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो कि प्लांट से हमें सोर्सेज मिलते हैं। स्पिनच, पापा स्पिनच खाता था और फलादी जैसा उसके मसल बन जाते थे, जिस तरह कहते हैं स्पिनच खाया करो, तो स्पिनच के अंदर। फिर हमें जो आपने देखा होगा कि ड्राइड वो होती है प्रूनस होते हैं, ठीक है, जो ड्राइड खोबानी होती है उसके अंदर हमें जी मिल जाता है। देन उसके बाद शीरा जो कि शुगर कैन का बाय प्रोडक्ट होता है, शीरा जो होता है नॉर्मली काब होते हैं, मीठा होता है लेकिन उसके अंदर आयरन होता है। देन पोटैटो से हमें मिल जाते हैं, पोटैटो जो हैं वो डाइट के अंदर हम लेते हैं। अब देखें कितने कितने सोर्सेज हैं जिनसे हम आयरन ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी डाइट में इनकी कमी जो होती है वो आयरन डेफिशिएंट बना देती है। देन नट्स आप इस्तेमाल करें, नट्स में कैशूज़ हैं, काजू जो होते हैं उसके अंदर आपको आयरन मिल जाता है। देन एक दो बड़े इंपॉर्टेंट जो सीड फैमिली, जैसे हम चिया सीड, फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से दो सीड्स की फैमिली है सेजम, जो तिल होते हैं, सेजमी सीड्स और पम्पकिन सीड्स। यस, पम्पकिन सीड्स और सेजमी सीड्स इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आयरन डेफिशिएंट है। तो ये तो फूड सोर्सेज हो गए जो कि हमने डिस्कस किया जहाँ से आपको डाइट मिल सकती है, और इनका इस्तेमाल डेली डाइट में बहुत ज़्यादा आपको आयरन की कमी को पूरा कर देता है। देन आते हैं इसकी डेफिशिएंसी, आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगेन सबसे पहला वही एनीमिया, एनीमिक, रेड ब्लड सेल कम बनेंगे, हीमोग्लोबिन कम बन रहा होगा, वीक होना शुरू, रंग पीला होना शुरू हो जाएगा, और बॉडी के अंदर आप एनीमिक या डेफिशिएंट, और आपके जब टेस्ट चेक करवाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सप्लीमेंट या आपको कहते हैं कि आप टेस्ट करें, आरबीसी आपके बहुत कम है। देन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। अब बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, आपने देखा होगा कि अगर ड्यूरिंग मंथली, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर प्रॉपर खाना नहीं खा रही, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, तो बच्चों के अंदर जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होगी, और बच्चों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से उनके आयरन नहीं ले रहे होते, खाना नहीं खा रहे होते, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बिहेवियर, OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, देन उनके अंदर और मल्टीपल जो है ना बिहेवियर को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिम्टम्स दिखाएंगे बाकी बच्चों की, कंपेरेटिवली उनकी एबिलिटी में स्टेबिलिटी जो प्रॉब्लम करेंगी। तो इस चीज़ का अगर ये सिम्टम्स हैं बच्चों के अंदर तो यू नीड टू चेक इट। देन आपने देखा होगा कि नेल जो हैं वो नेल आपको बड़े स्पून की शक्ल में, हमने कुछ लोगों को देखा कि स्पून की शक्ल में ऐसे ना टेढ़े हो जाते हैं, अगर ये क्लियर साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है आयरन की डेफिशिएंसी हुई है। अगर बहुत ज़्यादा आयरन ले, बहुत ज़्यादा ये डाइट के अंदर इस्तेमाल करें फिर तो भी उसका प्रॉब्लम है। अगर एक्सेस जो है ना वो आयरन का इस्तेमाल, वो आपके अंदर वॉमिट, लाइट एक्यूट जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, और अजीब से आपको समटाइम डेथ की तरफ भी ले जाते हैं। अगेन इसके न्यूरो डीजनरेटिव इश्यूज भी हमारे ब्रेन को मिलते हैं, हमारी बॉडी को उसको सफ़र करना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा आयरन लेना शुरू कर दें। तो जैसे आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम करती है, और बहुत दफ़ा हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इश्यूज रेज कर रही होती है लेकिन हमें नहीं पता होता कि मसला किधर चल रहा है, प्रॉब्लम, और हम समटाइम डायग्नोज करने में प्रॉब्लम रहते हैं। वह इस वीडियो का मकसद और पर्पस भी आप लोगों से एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करना है ताकि आप अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, और मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और सर्जरी से जितना बच सकें वो ज़्यादा बेहतर है। अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, डाइट क्या होनी चाहिए, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, किस तरह खाना है, किसके साथ खाना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं
प्रॉब्लम्स हैं, इशू हमें नहीं पता होते, तो वी ट्राई टू मेक इट ईजी, कम्फर्टेबल, और आपका नॉलेज जो है वो बढ़े, और बहुत ज़्यादा मिथ्स और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है आप उस पर रिलाई ना करें। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी का इशू है, तो फिर आप सिंपली अपनी डाइट को बेहतर करके इसको एड्रेस कर सकते हैं। सो दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।